सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी लोगों ने मेरे को लास्ट वीडियो में पूछा था कि जो वर्कआउट की वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें पूछा था कि आपके जिम बैग के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सो आज मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे जिम बैग के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ शेकर, ठीक है, जिम के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है। और ये अपना बैग देखता पटारे से आज क्या क्या निकलता है। सबसे पहले तो ये अपना रखता हूँ मैं ट्राईपोर्ट जिम का जो होता है जिसमें शूट वगैरह कर सकते हैं हम लोग, बट इसको कम ही यूज़ करा अब तक मैंने, ठीक है। और उसके बाद और ये प्रोटीन, मतलब प्रोटीन मैंने निकाल के थोड़ा सा इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। वैसे मैं बकेट में परचेज करता हूँ कि काफ़ी टाइम निकल जाए। और ये अपना ग्लूटामिन, ये LRG9 और ये अपना प्री वर्कआउट, ठीक है। ये केयरफोन रखता हूँ मैं, ये केबल वाले, ठीक है, कि मूड के हिसाब से जो भी अच्छा लगे लगाना चाहिए। और एक ये एयरपोड्स और एक ये वाले एयरपोड्स, ठीक है, कि मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को हर जगह पे कंफर्ट चाहिए, तो जो भी कंफर्टेबल रहे मैं वो लगाता हूँ। और ये एक ग्लास रखता हूँ मैं प्री वर्कआउट पीने के लिए। और ये कॉफ़ी के सैशे वगैरह मैं रखता हूँ काफ़ी ज़्यादा अपने पास, कि कभी जैसे ट्रैवल वगैरह होता तो मैं ये बैग साथ में रख लेता हूँ, कहीं पे लगे ऐसा एनर्जी वगैरह लो, क्योंकि मेरा अभी ज़ीरो काप में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। फाइबर और प्रोटीन ही अंदर जा रहा है, तो जब तक काप नहीं जाएंगे एनर्जी नहीं आएगी तो कॉफ़ी वगैरह पीनी पड़ती है मुझे, ठीक है। और एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ शूट के लिए मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार ज़्यादा, क्योंकि इससे टाइम बड़ा लग जाएगा। ये अपना गिम्बल रखा हुआ मैंने एक, ठीक है, फ़ोन का गिम्बल है ये। और मेरे बैग में ये ग्रिप्स भी रहते हैं, ठीक है, अगर कभी डेडलिफ्ट वगैरह या बारबल लगाना पड़े हैवी वेट में तो ये यूज़ करता हूँ उसके साथ। स्पून और फॉक, और ये परफ्यूम एक, और ये दूसरा परफ्यूम, मतलब मूड के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है, जो भी मज़ा आएगा। सारा बैग खाली कर दिया मैंने, देख लो। दो टी शर्ट वगैरह अपने पास होनी चाहिए, सभी के पास होनी चाहिए तो जिम में। फिर से कॉफ़ी सेशन, कहीं का हर पॉकेट में कॉफ़ी वगैरह पड़ी है। ये मफलर सर्दियों के लिए, दो टाल, ठीक है, एक और प्री वर्कआउट, बॉडी हीटअप स्प्रे, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो, मतलब मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये पंपिंग के लिए होता है बेसिकली। हैंड सैनिटाइज़र, कुछ है या? बस यही है, ठीक है। तो अपने जो भाई पूछ रहे थे कि आपके बैग में क्या क्या रहता है, ये सब कुछ रहता है मेरे बैग में, ठीक है, इंक्लूडिंग। और ये ट्राईपोड ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ मैं शूट के लिए, क्योंकि यार इतना टाइम होता नहीं है, इसके लिए सेटिंग वगैरह चाहिए। ये मैंने इसलिए रखा हुआ कि चलो कहीं अचानक से प्लान बन जाए बाहर अंदर जाने का तो बंदा ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। और आज का वर्कआउट बहुत भयंकर हो गया, ठीक है, बाइसेप्स वगैरह लगाया आज,
अपना बॉडी वेट 88 केजी है फिलहाल, और लोग कह रहे हैं कि यार आप वर्कआउट की वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे। यार ऐसा है कि वर्कआउट का कंटेंट अभी आप सभी लोगों ने देख लिया हुआ तो सारे देखते नहीं है वीडियो, ठीक है। और मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं अभी वर्कआउट का दिखाऊंगा क्योंकि जैसे मेरी बॉडी अभी 2 साल के बाद मैं फिर से वैसा बन रहा हूँ जैसे 2 साल पहले था, ठीक है। मेरी बॉडी पहले अलग तरीके की थी, फिर कोविड के बाद मैंने कुछ एफर्ट लगाए नहीं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और अभी पुराने तौर तरीके में जाने के लिए टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। और वैसे भी बॉडी बन रही है, मैगी नहीं बन रही जो 5 मिनट में बन जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस होता है, ठीक है, 3-4-5-6 महीने का, कि आराम से कैसे करना इसको बॉडी को सेट, ठीक है। जल्दी नहीं होगा ये सब। हाँ ये कि एप्स मेरे आ गए हैं बट वो मेरे लिए कुछ भी नहीं आया, ठीक है। जैसे कि समझ लो शेडो ऐप्स हैं, ठीक है, जो चीज़ मेरे को चाहिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, अपना शेक ले लिया, ठीक है। और छोटी वीडियो बनाई थी इसलिए कि यार सभी को पता चल जाए कि अपने बैग के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। ये सब रहता भाई, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। और मतलब जो चीज़ें एक होनी चाहिए वो दो हैं और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो थोड़ी इन्फो वीडियो बनाऊंगा डाइट के बारे में, वो आप सब देखना। ओके बाय।